अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको क्रीम को विप करना सिखाऊंगी कि क्रीम को कैसे विप करना चाहिए और क्रीम कितनी ठंडी होनी चाहिए, कितनी फ्रीज होनी चाहिए, हमें फ्रीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे पास जो है क्रीम विपी विप क्रीम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख दी थी ताकि जो क्रीम हमें जो है वो मेल्ट चाहिए, हमें फ्रीज क्रीम नहीं चाहिए अगर हमने विप करनी है, क्योंकि विप के लिए हमें क्रीम जो है वो मेल्टेड चाहिए और ठंडी होनी चाहिए, फ्रीज नहीं होनी चाहिए, और इसके बीच में कोई आइस क्रिस्टल वगैरह मौजूद नहीं होने चाहिए। और क्रीम को विप करने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। ये मैं इसकी बॉल में ये ऐसी क्रीम होनी चाहिए फिर से निकली हुई, ये फ्रीज नहीं है लेकिन ठंडी है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीडियम स्पीड पे इसे 2 से 3 मिनट तक व्हिप करेंगे। दो से तीन मिनट व्हिप करने का मकसद ये है, इसे हाई स्पीड पे भी आप 2 से 3 मिनट तक व्हिप कर सकते हैं ताकि बीच में अगर आइस क्रिस्टल मौजूद हैं तो वो हमारे ब्रेक हो जाएं, ठीक है। तो अब इसे मैं अच्छे तरीके से उस वक्त तक बीट करूंगी जब तक ये स्टिफ फॉर्म में नहीं आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रीम है वो थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी ये डेकोरेशन के लिए तैयार नहीं है, हमें इसे स्टिफ फॉर्म में लेकर आना है। इसे हम मीडियम से थोड़ा हाई स्पीड पे कुछ मिनट बीट करेंगे कि ये स्टिफ फॉर्म में आ जाए। हमारी क्रीम जो है वो तकरीबन विप हो चुकी है सारी, इसकी निशानी ये है कि ये स्टिफ पीक फॉर्म में आ गई है और क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। बीटर को चाहे आप उल्टा करें, जिस मर्जी डायरेक्शन में करें, क्रीम आपकी उसी तरह की उसी तरह है। इसका मतलब ये है कि क्रीम आपकी विप हो चुकी है, और अगर आप बॉल को उल्टा करेंगे तो क्रीम नहीं गिरेगी, ये हमारी क्रीम जो है वो विप हो चुकी है। क्रीम को हमने विप कर लिया है, जब विप हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा स्पैचुला से जो है थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब ये हमारी क्रीम बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखें, ठीक है, ऐसी हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग लेंगे। ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है, ठीक है, ये हर जगह अवेलेबल है, और ये मैं इसमें नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना, 1 ml है, 1 ml। इसे पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, इसे आप किसी ग्लास में पाइपिंग बैग को डाल दें ऐसे, और अपनी जो क्रीम है अपने विप की है उसे इसमें डाल दें। इसमें आपको शुगर, अगर आपका दिल है तो इसमें शुगर ऐड कर दें, वैसे इसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद है, शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने प्लेन वनीला कपकेक लिए हैं, इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किचन विद मेहरू में, प्लेन सिंपल वनीला कपकेक हैं। इनको अब मैं डेकोरेट करना बताती हूँ, आगे भी मज़ीद डेकोरेशन मैं आपको बताऊँगी अपने चैनल पे।
यह आप 1 ml नोज़ल लेंगे, ठीक है। मैंने इसे फिल कर लिया पाइपिंग बैग को, अब मैं डेकोरेट करके बताती हूँ। आप नोज़ल को बिल्कुल सेंटर में रख के, इसे सेंटर में रख के थोड़ा सा प्रेस करके लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे राउंड सर्कल शेप में, ठीक है। और बिल्कुल स्लाइटली सा आप इसे छोड़ देंगे, बहुत प्यारा सा ये केक रोज़ बन जाएगा, रोज़ शेप में डेकोरेशन हो जाएगी। बिल्कुल सेंटर में रख के आप नोज़ल प्रेस करके तो इसे मूव करना शुरू करेंगे लेफ़्ट टू राइट, और स्लाइटली सा छोड़ देंगे ऐसे। अगर आपकी क्रीम बहुत अच्छे से विप हुई भी होगी, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए क्रीम के विप होने की, तो आप ऐसे ही विप करेंगे तो आपकी जो क्रीम है बहुत अच्छे से विप होगी, और डेकोरेशन भी फिर उसी तरह ही होगी। जितनी अच्छी क्रीम विप होगी उतनी ही अच्छी डेकोरेशन होगी। इसी नोज़ल से अब मैं आपको और डिज़ाइन बनाना सिखा बता देती हूँ। एक ही नोज़ल से आप डिफरेंट जो है ना टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसे प्रेस करें और ऊपर की तरफ उठा लें, सिंपल प्रेस करें और बिल्कुल लाइट से ऊपर उठा लें। ऐसे ही आप अपने कपकेक डेकोरेट करते जाएं जैसा आप डिज़ाइन चाहते हैं। सेंटर में रख के ऊपर को उठा लिया लाइट सा, तो ये आपका एक छोटा फ्लावर बन जाएगा, एक और अलग शेप बन जाएगी। ऐसे ही आप तमाम कपकेक, अपने केक्स या कपकेक्स जो कुछ भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं बहुत आराम से डेकोरेट कर सकते हैं। क्रीम आप किसी भी अच्छी ब्रांड की ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए क्रीम। ये एक अलग डिज़ाइन है उसी एक नोज़ल से। ऐसे आप डेकोरेट करते जाएंगे तमाम कपकेक्स। कपकेक की डेकोरेशन रेडी है। इन्हें आप किसी तरह से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। क्रीम से तो मैंने आपको विप करना सिखा दिया है, बता दिया है कि कैसे विप करना है। इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। किसी तरह से भी इसको आप डेकोरेट कर लें ताकि जो कपकेक में है वो खूबसूरती आ जाए। क्रीम को विप करना और कपकेक की डेकोरेशन, सिंपल डेकोरेशन मैंने आपको बताई है। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।